ओपी शुक्ला हिंदी डिक्टेशन गति 100 शब्द प्रति मिनट बी रेडी 3 2 1 स्टार्ट। श्रीमान यह 7वीं योजना उत्पादन काम और रोटी के नारे से शुरू हो रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इन तीनों उद्देश्यों को प्राप्त करने के जो तरीके हैं वे आपने ऐसे अपनाए हैं जिनसे लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकते। पैरा मान्यवर उत्पादन दो जगहों पर हो रहा है, खेती में और कारखानों में। खेती की जो दुर्गति आपके शासन में हो रही है वह सबको मालूम है। खेती के लिए आपके पास कोई योजना नहीं है। कभी भी आपने इस देश की एक एक इंच जमीन को पानी देने का प्रबंध नहीं किया। जहां जैसा मन में आया वहां वैसा किया। आपने कोई ऐसा सर्वेक्षण नहीं कराया जिससे कि सिंचाई का प्रबंध किया जा सके। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपके विभाग में जो लोग बैठे हुए हैं उनके दिमाग में यह बात बैठी हुई है कि अगर खेती के माल का दाम बढ़ा दिया जाए तो शहर का आदमी आपसे नाराज हो जाएगा और चुनाव में आपको वोट नहीं देगा। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि जब तक खेती में जो लागत आती है उसके अनुसार किसान को दाम नहीं मिलेंगे तो वह उत्पादन कैसे बढ़ाएगा। आप कोई भी काम कीजिए, अगर उसमें घाटा होता है तो आदमी उसको करने के लिए तैयार नहीं हो सकता। लेकिन किसान तो मजदूर है, खेती करने के लिए अगर वह खेती न करे तो खुद भी मर जाएगा, क्योंकि उसके पास जिंदा रहने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह हमेशा घाटा सहता रहेगा और उत्पादन भी करता रहेगा। पैरा माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि कृषि विश्वविद्यालय के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार किसान को उसकी पैदावार में लगातार घाटा होता जा रहा है। इसका असर हमारे देश के अनाज उत्पादन पर पड़ रहा है। जब तक आप कारखानों के माल और खेती के माल के दाम तय करने के लिए समान नीति नहीं अपनाएंगे तब तक कृषि उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता और किसान सुखी नहीं हो सकता। आज किसान का घाटा लगातार बढ़ता है और कारखाने वाले मुनाफा कमा रहे हैं। कृषि पर निर्भरता समाप्त होती जा रही है और गांवों के लोग शहरों की ओर भागकर बेकारों की संख्या में वृद्धि कर रहे हैं। आप जितनी भी योजनाएं बनाते जा रहे हैं देश में उतनी ही बेकारी बढ़ती जा रही है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप लघु उद्योगों को बढ़ावा देने पर विचार तक इस देश से बेरोजगारी की समस्या को दूर करना संभव नहीं हो सकता। अतः मेरा निवेदन है कि आप इस पर गंभीरता से विचार करें, क्योंकि आप भी यह जानते हैं कि इस देश की 80% आबादी गांवों में खेती पर निर्भर करती है, भूमि पर निर्भर करती है। विराम।